इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्या आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किसी को बता नहीं पा रहे? तो इसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आजकल यूथ में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, स्पर्म काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, मोर्फोलॉजी खराब हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। लेकिन अगर हम इसके ठीक करने के बारे में बात करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, तो हम सब जानते हैं, हम शिलाजीत की बात कर लेते हैं या हम ऐसी और कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब यूथ जनरली ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करता है लेकिन फिर भी उसे रिजल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर वो परेशान हो जाते हैं, इवन डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिप्रेशन में अगर नहीं आना, अगर आपको अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप कोई भी दुनिया की मेडिसिन ले लीजिएगा, वो मेडिसिन तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप उस मेडिसिन के साथ वर्कआउट नहीं करेंगे। क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है, इवन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वॉक का। अगर आप सुबह या इवन शाम को आधा घंटा वॉक करते हैं, तो वॉक करने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। ये सबसे एक नॉर्मल चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को पता लग जाए। हीट जनरेट होने से हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म होते हैं, साथ ही साथ हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो अच्छे अमाउंट में करते हैं। तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन है। जब हमारे बॉडी के पार्ट्स को उनका फ्यूल मिलेगा तो वो काम ठीक से ज़रूर कर पाएंगे, और अगर वो काम ठीक से कर पाएंगे तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो रहेगी? आंसर आपके पास है, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उस मेडिसिन के साथ आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज का एक चार्ट कस्टमाइज कराइए, ताकि आपको जो आपकी मेडिसिन है उसका रिजल्ट 100% मिल सके और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। आई होप इस वीडियो में जो मैंने समझाया कि किस तरीके से आप मेडिसिन का बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, वो आपको समझ आया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उस पर यह बात लागू नहीं होती है, या काफ़ी कम हद तक लागू होती है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आपकी समस्या को ख़त्म करती ही नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को सप्रेस करती है, थोड़ी देर के लिए दबाती है, या ये कहा जाए आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देती है। लेकिन अगर आप एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, तभी आपको उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।